Thanks. Bet you. तो केदारनाथ जी ये बताइए, आप गोरखपुर से हैं, तो गोरखपुर का थोड़ा हमें समझाइए। मैं जानता नहीं हूँ गोरखपुर को, क्या विशेषता है वहाँ की? वहाँ आपके मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं, तो गोरखपुर शहर की विशेषताएं बताइए। सर, गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा शहर है वर्तमान में। और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, चौरी चौरा जैसा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, उसको घूमने लायक है। और वर्तमान में रामगढ़ ताल एक बड़ा ताल है जिसका सुंदरीकरण किया जा रहा है, जो पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है। गोरखपुर टेराकोटा GI टैग गोरखपुर का है। इसके अलावा सर, गोरखपुर में वर्तमान में एम्स आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और भी कुछ है वहाँ पे, एक बहुत बड़ा प्रकाशन सर, गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित करता है, जो देश दुनिया में हिंदू मैथोलॉजी और हिंदू धार्मिक किताबों का प्रकाशन करता है, सबसे बड़ा प्रकाशक। यस सर। और गोरखनाथ जी की क्या फिलोसॉफी थी जीवन में, क्या उपदेश था? सर, गोरखनाथ जी की जो फिलोसॉफी थी वो सिद्ध संतों के खिलाफ जाते थे। जहाँ तक सिद्ध संत थे वो कहते थे कि किसी चीज का इतना अधिक दोहन करो कि आपको उससे विरक्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन उससे इतर होके गोरखनाथ जी ने ये सिद्धांत दिया कि नहीं, अपने ऊपर संतों को इतना नियंत्रण करना चाहिए कि उन्हें विरक्ति प्राप्त हो जाए। जैसे कि उनका एक अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के लिए एक दोहा है कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया, और फिर वो कहते हैं कि 9 लाख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतर होते तारा। तो इस तरह वो अपने ऊपर स्व नियंत्रण की बात करते हैं, संयमित होने की बात। अच्छा, ये बताइए, आप हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर की कोई कृतियाँ को नाम बताएं एक दो। सर, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृति है कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी। और मुंशी प्रेमचंद की? सर, मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास गोदान है, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। मानसरोवर क्या है? मानसरोवर सर प्रेमचंद क्या कहानी संग्रह है। कितनी कहानियों का संग्रह है? सर शायद लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ उसमें संकलित हैं। 300 से ज़्यादा, ओके। अच्छा, ये बताइए, ये यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है अभी, इसका मूल कारण क्या है? अगर इसकी जड़ों पे जाएं आप, तो किस वजह से ये विवाद पैदा हुआ? सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, रशिया और यूक्रेन विवाद के मूलतः दो कारण हैं। एक है कि यूक्रेन पूर्व में सोवियत संघ का शासन, सोवियत संघ का अंग रहा है, और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस से सटा उसका इलाका है यूक्रेन, जहां बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर रूसी मूल के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, जहां एक वो कारण है। और दूसरा कारण यह है कि यूक्रेन कुछ ऐसे वक्तव्य थे जिनसे यूक्रेन नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहता था, जो कि रूस के अपनी व्यक्तिगत रक्षा के खिलाफ जा रहा था। रूस की व्यक्ति करते हैं, रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा। और भी कोई कारण है सर? और कोई कारण तो बताऊंगा। अच्छा, इस परिपेक्ष में ये बताइए कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है ऑर्गेनाइजेशन, जो है ना UN जिसको अपन कहते हैं, इसने अपनी पूरी प्रक्रिया कर इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर पाया है? क्या कारण था? फेल क्यों हो गया यूनाइटेड नेशंस इसको, इस समस्या को, वार को रोकने के लिए? सर, यूनाइटेड नेशन राष्ट्रों का समूह है, और यूनाइटेड नेशन का मुख्य जो आदेश करता या नियंत्रण करता है वो UNSC है। UNSC के 5 परमानेंट मेंबर है, जिसमें रूस एक स्वयं परमानेंट मेंबर है, जो कि उसके हर कोई भी निर्णय, जब तक 5 परमानेंट मेंबर राजी नहीं होंगे तब तक कोई भी निर्णय लिया नहीं जा सकता है। तो एक ये निर्णय है कि UN में 1945 के बाद से कोई सुधार नहीं किए गए, और UN में रशिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जो कि इस मामले में UN को कोई निर्णय नहीं लेने देते। तो यूनाइटेड नेशंस कोई भी पीस किसी भी देश में अशांति हो उसमें शांति स्थापित करने में जब तक समर्थ नहीं होगा जब तक इन 5 देशों में सहमति नहीं। यस सर, यही बात है ना।
यस सर, जैसा कि देखा गया था कि कोरियन वार के टाइम पे इनके बीच में सहमति हो गई थी, तो उस समय यूएन एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में था। दूसरा सर, स्वेज नहर विवाद के टाइम पे जब फ्रांस और यूके पर दबाव डाल के किया गया, तो उस टाइम पे स्वेज नहर विवाद को शांत किया गया। तो इन पांचों देशों के मध्य या तो प्रेशर से या फिर सहमति से अगर किसी मुद्दे पर सहमति हाँ, तो स्थापित होती आपको ये है। बताना चाहिए कि ये जहाँ पांचों देश अगर सहमत नहीं हो पाते तो यूनाइटेड नेशंस इस चीज़ में कुछ स्टेप नहीं ले पाता। अच्छा ये बताइए, फ्रांस में इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की क्या प्रक्रिया है, पता है आपको? सॉरी पता नहीं। सॉरी, और उनके प्रतिद्वंदी कौन हैं जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति हैं, मैक्रोन? नहीं जानकारी पता आपको। पाकिस्तान में जो अभी फेरबदल हुआ है उसके बारे में कुछ पता नहीं। यस सर, क्या है? सर पाकिस्तान में एक राजनीतिक क्राइसिस की स्थिति थी कि पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कुछ सांसद और विपक्षी पार्टियों के सांसद इमरान सरकार के खिलाफ थे, जिसको देखते हुए इमरान सरकार के ऊपर में संसद में वहां के उनके पास बहुमत नहीं रहा। उस बहुमत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वहां के डिप्टी स्पीकर ने निर्णय दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के निर्णय को स्टेप डाउन करता है और दोबारा कल रात में वहाँ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है और कल इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। नहीं रहे, क्या नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया? यस सर, कौन? सर नवाज शरीफ के छोटे भाई, सर एग्जैक्ट नाम नहीं लेकिन शायद सर शहनवाज शरीफ हैं। अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि आप इकोनॉमिक्स की आपका एक सब्जेक्ट रहा है, अर्थशास्त्र आपका सब्जेक्ट रहा ना, इतिहास अर्थशास्त्र ये रहा है, तो सबसे पुरानी पुस्तक अर्थशास्त्र कहाँ लिखी गई थी, किसने लिखी थी? सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र है जो कि मूलतः राजनीतिक सिद्धांतों पर है, वो आर्थिक सिद्धांतों पर नहीं है, मूलतः राजनीतिक सिद्धांतों पर लिखी किताब है। आर्थिक सिद्धांत भी है उसमें, यस सर, आपने पढ़ी है पुस्तक? नो सर, हाँ, तो फिर आप कैसे कहते हैं आर्थिक सिद्धांत सर नहीं है? आर्थिक सिद्ध मूलतः राजनीतिक सिद्धांत पर है। उसमें आर्थिक सिद्धांत भी है, जो राज्य के आर्थिक ढांचे हैं उनके संबंध में उन्होंने विचार दिए हैं। अच्छा, तो उस पुस्तक में कौटिल्य ने राजा की क्या क्या जिम्मेदारियां बताई है कि उसको प्रशासन किस तरह से करना चाहिए? सही सही जानकारी नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद। किताबों जी, आपका अगर नियुक्ति हो जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, आपने क्वालिफाई कर लिया और आपको डीएम बना दिया गया किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो और एक दिन आपको आपके जो सुपीरियर हैं, सीनियर हैं, उन्होंने आपको आदेश दिए हैं जो कि गलत हैं, अनएथिकल हैं, वो रूल के मुताबिक नहीं है, तो आप कैसे उनको हैंडल करेंगे? सर अगर निर्णय उन्होंने हमको लिखित में कोई निर्णय दिया है तो हम उसकी उस पर एक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ ओरली हमको कोई आदेश देते हैं तो उस पर हम एक्शन नहीं अच्छा, करेंगे। लिखित में दें तो आप क्या करेंगे? सर लिखित में अगर वो हमको करने को देते हैं तो अगर वो एथिकली करने लायक होगा तो उसको किया जाना चाहिए। करने लायक नहीं हुआ तो? सर अगर एथिकली वो करने लायक नहीं हो तो उसके खिलाफ, सॉरी सर, अगर वो एथिकली नहीं करने लायक है तो एक बार उनसे सलाह किया जा सकता है कि सर इसमें ये एथिकल पॉइंट आ रहा है। अच्छा, फिर भी वो इंसिस्ट करते हैं कि आपको करना है, तो आप कर देंगे? सर अगर उन्होंने लिखित में आदेश दिया है और वो हमारी सीनियर अथॉरिटी है तो उनके आदेश का पालन किया जाना चाहिए। अच्छा, आरटीआई एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, यस सर, तो इसका कुछ आज कुछ क्या है, इसका कुछ क्या कहते हैं, वैल्यू है आज के दिन में, क्या यस सर है आज इसका कोई कोई इसका फायदा भी है क्या? क्योंकि सब बहुत सारी जो एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके प्रव्यू से बाहर चली गई हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हुए, पॉलिटिकल पार्टीज हुई, या जुडिशरी हुई, है ना, सीबीआई हुई, ये इसके ऊपर आप आरटीआई नहीं लगा सकते, जुडिशरी हुई, है ना,
टॉप जजेस के ऊपर आप आरटीआई नहीं लगा सकते, क्योंकि रह क्या गया फिर, इसको स्क्रैप ही कर दीजिए तो फिर नाम मात्र के लिए क्या रखना दीजिए। सर आरटीआई संस्था के रूप में देश में कई सारे बदलाव लाने का काम किया है, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल आता है या सर, उनकी पर्सनल सूचनाएं नहीं आती हैं, लेकिन उनके संबंध में सूचनाएं जो हैं वो आरटीआई के दायरे में आती हैं। और सर आरटीआई से सिर्फ उन संस्थाओं को बाहर रखा गया है जो कि जिनकी सूचनाएं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और अखंडता के लिए खतरा हो सकती हैं। आरटीआई के द्वारा राष्ट्र में कई सारे नए बदलाव आए हैं, और जो कि लोगों को अपने ऑफिशियल्स से सूचनाएं लेने के लिए और वो किसी निर्णय पर किस आधार पर पहुंचे हैं ये जानने में हमारी मदद करता है आरटीआई को रहना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप अपना बॉस चूज नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते भी ऐसा ही बॉस होना चाहिए। अगर आपका बॉस है वो बड़ा टफ है, हार्ड टास्क मास्टर है, तो कैसे हैंडल करेंगे आप उसको? सर हमारे अधिकारी हैं और वो उनके साथ संबंध अच्छे रखे जा सकते हैं, उनके साथ वो कोई आदेश देते हैं तो उन पे काम किया जाना चाहिए। बस ये सर, अगर हमारे अधिकारी हार्ड केस में हो सकते हैं कि वो कैसा काम कराना चाहते हैं, उनके काम कराने का कुछ अपना तरीका होगा, हम उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि वो जिस तरह से काम कराना चाहते हैं अगर वो काम सही है तो उसको उस हिसाब से किया जाना चाहिए। भाई ये रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इन्होंने अभी एक बैठक के बाद रिपो रेट को जहाँ था वहाँ रखा है ना। अब ये क्यों इन्होंने इसको कांस्टेंट क्यों रखा, चेंज वेंज क्यों नहीं किया, क्या इसके पीछे रीजनिंग है? सर आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी में उसको सीआरआर को 4% इस आधार पर रखा है कि देश में महंगाई, उनको महंगाई को कंट्रोल भी करना है और साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 के करीब आ गई है, तो उसे उस पर बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। महंगाई पे कंट्रोल इससे कैसे होता है? सर अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा तो आगे जाके बैंक को लोन देने में आसानी होगी, जिससे मनी एक्सपेंशन की कंडीशन आएगी। अगर आरबीआई को महंगाई पर नियंत्रण लेना है तो उसे रेपो रेट ज्यादा से ज्यादा रखने होंगे। ज्यादा क्यों नहीं किया, 4.75 कर देते, 5 कर देते? सर ज्यादा करने से ये कंडीशन होगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में दिक्कत आती है, क्योंकि इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए बैंक लोन भी जरूरी हैं, तो एक ऐसी स्थिति होना चाहिए। इसमें इन्फ्लेशन की रेट क्या चल रही थी, अभी क्या है? आरबीआई ने अभी कुछ टारगेट दिए हैं इन्फ्लेशन के, एक्चुअल भी बताया कि इतना चल रहा है? सर मुझे एग्जैक्ट आता नहीं आता, लेकिन शायद सर 7.2 के। तो इन्फ्लेशन तो काफ़ी हाई है ऑलरेडी, तो फिर अब कुछ तो चेंज लाना चाहिए ना सर। लेकिन कोविड के बाद से इकोनॉमी के रिकवर करने के लिए कुछ समय तक अगर महंगाई रहती है तो वो अच्छी मानी जाती है कि महंगाई रहे लेकिन वो डिमांड क्रिएट कर रही हो। अच्छा, आपकी निगाह में जो ये हुआ था 2016 में नोटबंदी जिसको कहते हैं, वो उसके जो परिणाम रहे उसके बारे में, उसमें क्या प्लसेस और माइनसेस आप देखते हो? सर नोटबंदी होने के प्लसेस ये रहे कि उसके बाद से देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है, और दूसरा ये कि ब्लैक काले धन और नकली मुद्रा का चलन कम हुआ है। तो सर ये कुछ उसके पॉजिटिव हैं, और उसके नकारात्मक परिणाम ये रहे हैं कि देश की इकोनॉमी जो कि उसके बाद से स्लो डाउन की कंडीशन में चली गई, और दूसरा लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा उस समय। तो आपके निगाह में ये राइट स्टेप था या नहीं था? सर मेरी समझ से ये निर्णय सही समय पर, सही सर ये निर्णय लेते समय पूरे विचार नहीं किए गए थे, तो मेरे समझ से इस निर्णय पे जाने से पहले सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी और पूरे विचार करने चाहिए।
अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप बताइए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये क्या होती है? सर यूनेस्को यूएन की बॉडी है जो कि दुनिया भर में है प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का कार्य करती है। इसके लिए वो हर देश में कुछ ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण करती है और उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। आप हो यूपी के, तो यूपी में कोई है ऐसी साइट? यस सर। कौन सी? सर यूपी में आगरा का ताजमहल, आगरे का लाल किला और फतेहपुर सीकरी, ये तीन है। केदार आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का, नहीं पढ़ा? प्रॉब्लम ऑफ फ्री लोडर्स नहीं पढ़ा? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, लिटरेचर पे कुछ बात करते हैं। रहस्यवाद क्या चीज है? सर रहस्यवाद किसी व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति के प्रति या ऐसी सत्ता के प्रति प्रेम होना, ऐसे सत्ता के प्रति लगाव होना जिसके बारे में स्पष्ट व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, इसे रहस्यवाद कहते हैं। कोई उदाहरण? सर जैसे कि कबीर, कबीर की रचनाएं हैं वो रचनाएं रहस्यवाद को छूती हैं। आप उसके बाद सर छायावाद के टाइम पे आते हैं तो छायावाद में भी कुछ रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की वो रहस्यवाद के करीब तक जाती हैं। तो छायावाद क्या चीज है? उसके दो मुख्य जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, वो क्या है, थीम्स जिसको कह सकते हैं? सर छायावाद की मुख्यतः दो थीम जो हैं वो ये है कि वो व्यक्तिगत व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार करता है और दूसरा ये है कि वो अभिव्यक्ति के लिए बंधन को नकारने की बात करता है कि हमारी अभिव्यक्ति को हम अपने हिसाब से अभिव्यक्त करेंगे। इसका इक्विवेलेंट अंग्रेजी लिटरेचर में क्या है? सॉरी सर रोमांटिसिज्म। यस थैंक यू। ओके सूफीवाद और रहस्यवाद में क्या फर्क है? सर सूफीवाद व्यक्ति के प्रेम से ईश्वर के प्रेम तक के जाने की बात करता है। ईश्वर के प्रेम या अल्लाह के प्रेम तक पहुंचने के लिए वो व्यक्ति के प्रेम को का माध्यम मानता है और जबकि रहस्यवाद में ऐसा कोई माध्यम नहीं माना जाता है, वो सीधे ईश्वर से संपर्क करने के लिए जिनसे सीधे संपर्क नहीं किया जा सकता है इसलिए उनकी रचनाओं में अगोचरता दिखती है जबकि सूफियों की रचनाओं में अगोचरता नहीं दिखती है, वो सीधे सीधे अपनी बात कह लेते हैं। अच्छा कबीर एक रहस्यवादी कवि हैं, उनकी कोई रचना आप बतौर एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं रहस्यवाद, कोई दोहा या कोई कविता? इससे सर कबीर कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व है ज्ञानी। तो कबीर इसके माध्यम से सर ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कुंभ जल में तैर रहा होता है उसके भीतर जो पानी है और बाहर भी पानी है, जब कुंभ फूटता है तो उसका पानी और बाहर का पानी मिल जाता है, यही ज्ञानी लोग कहते हैं। ओके और कोई चीज, और कोई दोहा या कोई कविता गीत? सर कबीर के, कबीर का सर रहस्यवाद। रहीम किस श्रेणी में आते हैं? सर रहीम संत कवि रहे हैं और वो समाज सुधार की बात ज्यादा करते हैं। वो समाज में कुछ आदर्शों का और व्यक्ति को अपने जीवन में कैसा होना चाहिए उसके लिए वो नीति के संबंध में वो काव्यों की रचना करते हैं। रहीम का एक ऐसा दोहा जो कि जीवन में आप दो कॉन्ट्रेडिक्टरी या विपरीत चीजों से जूझ रहे हैं इसको दर्शाता हो, आपको याद है? अब रहीम मुश्किल बड़ी, गाढ़े दो काम, सांचे से जग नहीं और झूठे मिले नराम। थैंक यू सर, नहीं सुना सर। थैंक यू, थैंक यू। अब दो मिनट बाहर बैठ जाइए, अभी बुलाते हैं, वेट करिए। टेम्परेरीली आइए आप। केदारनाथ भाई आपकी निगाह में कैसा हुआ आपका ये मॉक इंटरव्यू?
सर अच्छा रहा, लेकिन सर कुछ मामले में आवाज सर मेरी पहुंच रही थी सर, उसको लेकर पहुंच नहीं रही थी। यस सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज सही से निकल नहीं रही है मेरी, तो थोड़ा सा नर्वस। ठीक थी, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। और कोई बात लगी आपको? और सर एक सवाल मेरा ये था कि सर जैसे आप लोग बोल रहे हो तो उस टाइम मेरे बार बार मेरा सर ऊपर नीचे आ रहा था, तो मुझे अजीब लग रहा था। सर जैसे कि ऐसा कि या तो सर आप बोल रहे हैं थोड़ी देर पे आप रुक रहे हैं, तो वहां मुझे क्या करना चाहिए, तो वो नहीं चाहिए। यू आर मेरली एक्नोलेजिंग, आप केवल तस्लीम कर रहे हैं ना जो हम बोल रहे हैं। नॉडिंग तो करते ही हैं थोड़ा बहुत, पर बहुत नॉडिंग नहीं करी है ना। ठीक है, अरे एक आप जब अंदर आए हैं तो आपको कैसे ग्रीट करना है सबको ये पता है? यस सर। कैसे सर एंट्री करते हैं सर, पहले चेयरमैन सर को हिंदी में, हिंदी में कैसे क्या कहेंगे सर? नमस्ते, नमस्ते। अभी आप एंटर आए, आपके अपने आप बैठ गए, आपको बैठना नहीं चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, हम बताएंगे आप बैठ जाएंगे। बैठने को कहते के बाद बैठिए, ठीक है? एक तो ये और आने के बाद जो भी जो चेयर में बैठे, जो आप वहाँ पे पांच सदस्य होंगे, यहाँ तो चार ही होंगे, पांच होंगे, तो पांच में सेंटर में नॉर्मली चेयर में बैठेंगे, वो दिख भी जाएगा आपको, और आप ठीक उनके सामने होंगे, तो आप आते ही पहले देखिए कि चेयरमैन आप उनको क्या बोलेंगे। नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते सर, ठीक है? और अगर मैडम बैठी, कोई महिला बैठी है वहाँ पे कोई, तो क्या बोलेंगे और साथ में? नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते सर, नमस्ते मैम, दोनों बोलेंगे। और अगर कोई महिला नहीं है तो नमस्ते सर करके आप एक सेकेंड दो सेकेंड वेट करिए, वो कहेंगे आप उनके बैठ जाइए, ठीक है? राइट, बटन आपके कोट के आप खोल के बैठिए। सर मैं मुझे लगा कि भूल गया मैं। हाँ, तो ये भूलना मत, ठीक है? और हम आपका क्या, बस आप थोड़ा सा जाते टाइम भी आप जो जैसे यहाँ से निकले, धन्यवाद कर रही है, तो धन्यवाद केवल बस जो लास्ट पर्सन जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे उनको धन्यवाद करके आप चले गए, वही चीज जाते टाइम भी है। धन्यवाद आपको चेयर को करना, चेयर पर्सन, धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप ऐसे जा रहे जैसे कहीं आपको बहुत जल्दी हो रही हो। जल्दी में मत जाइए, जल्दी जल्दी भागते हुए ऐसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको बस एकदम जैसे गला छूटी है ना, वो नहीं होना चाहिए। और बाकी वैसे ठीक है आपका, हम लोगों ने सब ने ये माना है कि आपकी नॉलेज ठीक है, एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा है, हिंदी साहित्य में आपकी जो रुचि है और जो आपने सब्जेक्ट लिया था उसका, उस पर आपकी ठीक ठाक अच्छी पकड़ है, उसको आप अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वही रखिए। बस जब भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एक दो सेकंड तीन सेकंड रुक के जवाब देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको आता भी एकदम फुल्ली आंसर आता है तो भी जल्दी में मत दीजिए, ऐसा लगे कि हाँ नहीं आपने सोच के जवाब दिया, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखें। और जब आप उत्तर दे रहे हैं तो एक ही व्यक्ति जिन्होंने पूछा है, मान लो इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो इनकी तरफ तो देखेंगे ही, लेकिन बीच में एक आध दफा चारों तरफ नजर घुमा दी, ताकि उनको भी लगे कि भाई हमें भी कहा जा रहा है, और वो अटेंटिव रहे, एंगेज अटेंटिव रहे आपकी, ठीक है? वो भी आपकी बात में रुचि उतनी ही लें, ठीक, समझ में आ गया? वरना आपका कोई ऐसे हमें और कोई बात नजर नहीं आती जो आपको कही जाए। अब जो आपके आपका इंटरव्यू की डेट क्या है? 27th अप्रैल, अप्रैल है, तो अभी करीब है 12-13-15 दिन है, तो आप तब तक जो भी नई घटनाएं होती हैं, बड़े जो बातें होती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में और इंडिया के नेशनल पर्सपेक्टिव में, जो भी बातें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, लास्ट डे तक पढ़ करके आप जरूर जाना, हो सके आप इंटरव्यू सुबह शाम को है, शाम को है तो उस दिन के मॉर्निंग के पेपर्स को भी थोड़ा अच्छी तरह से देख लेना, कम से कम मोटी बातें जो हेडलाइन की बातें हैं वो जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार वो ऐसा सवाल कर लेते हैं कि बताइए आज की ये इस खबर के ऊपर, कोई भी जो भी खबर छपी उस पर कोई प्रश्न पूछ लिया, तब आप कहेंगे मैं उनको पढ़ा नहीं, है ना? दे एक्सपेक्ट कि भाई आप लेटेस्ट से अवेयर हैं या नहीं, लेटेस्ट बातों से वाकिफ हैं या नहीं।
ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। बाकी आप आराम से जाइए, थोड़ा सा अपना हेयर ग्रो करें। चश्मा ढीला है कि आपका? ये सब ढीला नहीं है, लेकिन सर आज ढीला कुछ लग रहा है। नहीं, इसको ठीक करा ताकि आप वहां पर परेशान ना हो इसका, है ना, इसके कारण आपको इरिटेशन आ सकता है, वो मत आने दो, ठीक करा के जाना। ठीक है, और कोई सवाल आप करना? सर एक सवाल ये है सर, सर मैंने पिछला इंटरव्यू दिया था तो सर मेरे को 151 मिला था, तो सर क्या मेरी स्पीकिंग स्पीड सर तेज है सर? ये मुझे थोड़ा बाहर से आपको नहीं दे रहे हैं, पिछला मतलब इंटरव्यू यूपीएससी में। यस सर, यूपीएससी। यस सर, आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलते तो हैं, ठीक है, उसको अगर आप कर सकते हैं टोन डाउन तो कर लीजिए, वरना ठीक है। किसका वोट था पिछली दिन? भोसले सर का वोट था, भोसले सर का वोट। हाँ, थोड़ा तेज बोलते हैं आप, हल्का सा। कभी कभी आप बहुत फटाफट बोलना लग जाते हैं, तो उसको अपने ध्यान रख करके ये नहीं करना है, ऐसा सोच के चलिए। सर इकोनॉमिक्स में सर मुझे क्या पढ़ना चाहिए अभी? और क्योंकि इकोनॉमिक्स बीए में था ना आपका? यस सर, दरअसल बीए में मेरे 2 साल ही रहे हैं, मैं बीएससी से ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस टाइम मेरे पास 2 ही साल थे, और उसके बाद से सर मैं अगले 6 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैं लेखपाल हूँ यूपी में, तो वो छूट चुका है सर पूरी पढ़ाई। इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि कुछ मुख्य जो कॉन्सेप्ट्स जैसे होते हैं ये बड़े मोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, मतलब एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी से ज्यादा जानकारी है, बायर सेलर है, मान लीजिए आप कार बेच रहे हैं मैं बेच रहा हूँ, तो जाहिर बात है मेरे पास अपनी गाड़ी के विषय में ज्यादा जानकारी है बल्कि आपके, मैं हो सकता है उसके कुछ डिफेक्ट भी छुपा लूं, तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो है ये प्रॉब्लम पैदा करती है। अब हिंदी में उसका इक्विवेलेंट क्या है वो थोड़ा अनुवाद मेरे से भी नहीं हुआ, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटी होती है अनकॉम्पेंसेटेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जैसे पोल्यूशन है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है ना। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का उदाहरण है आपको जो कॉपीराइट या कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, उससे आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको कुछ उसका फीस मिलता है कि आप कोई और आदमी उसका वो नहीं इस्तेमाल कर सकता आपके बिना कॉम्पेंसेशन के आपको दिए हुए, वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। ये टर्म याद रखिए आप, हिंदी इक्विवेलेंट आप देख लीजिएगा इसका क्या है। सर हिंदी इकोनॉमिक्स की हिंदी तो खराब है, और भी खराब तो नहीं है, डिफिकल्ट हो जाती है सर। नहीं, कोई भी भाषा कठिन या सरल नहीं होती, केवल आपको उससे वाकफियत का मसला है केवल, है ना। तो ये एक्सटर्नैलिटीज हैं, फ्री लोडर की प्रॉब्लम है कि किस तरीके से जो चीज लोग फ्री चीज का जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं बिना उसको उसकी कीमत अदा किए हुए, तो कैसे वो डिट्यूरेट हो जाती है वो। तो ये और इकोनॉमिक्स में जैसे अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो निर्णय लिए हैं उसमें रिपो रेट तो नहीं बढ़ाया उन्होंने, लेकिन और एक चीज कर दी है जिसमें कि आप बिना किसी कोई वो कोलैटरल सिक्योरिटी दिए हुए पैसा जमा कर सकते हैं आरबीआई के साथ बैंक्स, तो लिक्विडिटी को खींचने का उन्होंने प्रयास किया है कि लिक्विडिटी कम कैसे की जाए। रिपो रेट बढ़ाते तो फिर बात दूसरी थी कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और होते। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं इकोनॉमी में, और भारत की इकोनॉमी क्या थी, किस तरीके से उसमें परिवर्तन आया, ये सब इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं, जनरल स्टडीज का हिस्सा है जो आपने पढ़ी होगी। रिफॉर्म्स किस तरीके से आए, उन रिफॉर्म्स की क्या मजबूरी थी, हमें किस मजबूरी के तहत वो रिफॉर्म्स लाने पड़े, टैक्सेशन में क्या रिफॉर्म, वन नेशन वन टैक्स, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या हमारे कंपल्शंस थे, किस मजबूरी में हमें ये करना पड़ा, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, क्या ये पूर्ण रूप से लागू है या नहीं है, अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल इसके बाहर है, क्या वो इसके अंदर होने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये इस किस्म की जो करंट चीजें हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनको थोड़ा सा देखिए, इन्फ्लेशन प्राइसिंग
आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, बजट से रिलेटेड इश्यूज हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट, ये चीज़ें तो आप पानी छे बेसिक फंडामेंटल्स में, तो इनको आप सीखिए थोड़ा। आप नीति आयोग का क्या विचार है उस पर, नीति आयोग को रहना चाहिए आपको, और फिस्कल पॉलिसीज क्या होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, उनके बारे में, तो ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बाकी कुछ कोई आपको बहुत गहराई से कुछ गहराई नहीं पूछेगा, अभी यही किया है आपने, ऑप्शनल भी नहीं है। सर ये जो सर आपने सीनियर के लिए क्वेश्चन पूछा था, तो सर उससे क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए ना, आपको पहले तो समझाना पड़ेगा, अगर राइटिंग में ऑर्डर दिए हैं तो अगर आप महसूस करते हैं कि तो रीजन दीजिए, उसको दोबारा उसको वापस भेजिए अपने सीनियर को, है ना। गलत ऑर्डर को आप कभी वो मत करिए उसको, कभी ऐसा नहीं कि रिटर्न दे दीजिए तो आप बच गए। जब CBI की जांच होती है, जब होता है तो सभी पकड़ाई में आ जाते हैं, आपने क्यों इम्प्लीमेंट किए जब आप आते थे, है ना। जब बाद में पोस्टमार्टम होता तो ये ही आपका आर्गूमेंट के भी आप ऑर्डर राइटिंग में लीजिए जो मैंने कर दिया, ऐसा नहीं। आप अपना स्टैंड लीजिए, बताए तो उसको समझाइए, अगर दोबारा भी वो इंसिस्ट करते हैं तो फिर आप इम्प्लीमेंट करें, एक दफे तो समझाना पड़ेगा आपको। और देखिए उनके सीनियर को पूछ लिया, अगर आपका कमिश्नर कुछ नहीं कर रहा तो सेक्रेटरी को सपोर्ट कर दीजिए, अच्छा है, आपकी अपनी सेफ्टी रहनी चाहिए ना आजकल तो। गलत आदेश को इंप्लीमेंट कर दूंगा, ये बात तो बिल्कुल नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, स्वीकार करनी है, बिल्कुल नहीं कहनी है ऐसे मामले। धन्यवाद। Academy. Let's crack it.